गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टडी अबाउट द क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 11, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द हायर क्लासेस। ओके, तो इसमें हम लाइट की स्टडी करेंगे, शेडो की, और रिफ्लेक्शन, और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, इमेज क्या होती है और निकोल कैमरा क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लाइट से। तो फर्स्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लाइट। तो देखो, लाइट होती क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म में होती है। इट प्रोवाइड सेंस या विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ द विजन, जो कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो देखो बाय द डेफिनेशन, देखो हम इसको समझते हैं। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस या इंक्लूडेड द सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आईज एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडेड। तो लाइट के थ्रू हम जो हमारे आसपास क्या है, है ना, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, कैसा एनवायरमेंट है, इन सबको हम किस तरीके किसके थ्रू देख सकते हैं, लाइट के। यदि मान लो, देखो समझना, यदि मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, आंख भी है मेरे पास, ठीक है, बट यू मान लो लाइट नहीं है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ क्या? मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। आपने देखा, महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा, जैसे कि मान लो एक बंद कमरा है जहां पे कोई लाइट नहीं आ रही, तो आप वहां किसी कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हो क्या? आप नहीं देख सकते, आपको प्रॉब्लम आती है वहां पे कोई भी चीज को देखने में। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि विदाउट लाइट वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। ठीक है, तो लाइट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो देखो समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता कैसे, लेट अस कंसीडर एक बॉल है। ठीक है, ये मान लो कोई भी सोर्स सन हो गया, कोई भी ट्यूबलाइट ले, तो अपन ने सन ले लिया। ये जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या आप कोई भी खड़े हो, तो आंख ले ली हमने हमारी, ठीक है, आईज। ठीक है, तो देखो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह दिखाई देता है, ये सन है, यहां से लाइट रेज आती है हमारी अर्थ पे, तो मानो कि एक ये बॉल है, इसके ऊपर लाइट आ रही है। अब इससे टकरा के लाइट कहाँ पे आ रही है, हमारे आईज, मतलब इससे रिफ्लेक्ट होके ये जो लाइट आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, हमारे यहाँ। तो इससे क्या, और इस बॉल की इमेज हमारी आंख में बन रही है, तो इस तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है लाइट। यदि लाइट नहीं होगी तो सारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ठीक है, तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म में होती है जो कि हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, जो कि हमने डेफिनेशन से समझ लिया। ठीक है, अब देखो अदर डेफिनेशन की बात करें, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट लेट अस सी थिंग्स, इट मेक्स थिंग विजिबल, है ना, वही बात है जो यहां पे मैंने बोली थी, वही, जो कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मतलब हेल्प करती है, उसमें सहायक होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट देयर इमेज इनटू आवर आईज, वही जो मैंने यहाँ पे बताया, क्या हो, यहाँ सोर्स से लाइट आई और वो इस बॉल से रिफ्लेक्ट होके क्या हमारी आईज में उसने क्या बनाया, एक इमेज बनाई उस ऑब्जेक्ट में। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, वी नीड लाइट एज वेल एज अवर आईज इन ऑर्डर टू सी थिंग, वही चीज में जो भी मैंने बताया, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आएगी, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज हमें वो नहीं दिखाई देगा। जैसे कि बंद कमरे में, मतलब जो बिल्कुल डार्क अंधेरा कमरा होता है, रूम होता है, उसमें क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता यदि उसमें लाइट नहीं हो, तो वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, हमारी लाइफ कुछ विदाउट लाइट। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं लाइट, हमारे समझ में आएगी लाइट होती क्या एक्चुअली में। अब देखो हम लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते, देखो लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट मैं लिमिटेड प्रॉपर्टी आपको जो सिक्स क्लास में इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो चीज बता देता हूँ। ठीक हो, प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है, इसी प्रॉपर्टी, इसके ऊपर अपन एक्टिविटी भी करेंगे आगे। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
कितनी होती है जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम। वैक्यूम होता क्या है, देखो वैक्यूम ऐसा ऐसा प्लेस होता है, ऐसी जगह होती है जहां पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता, या ना कोई मीडियम होता है, ना तो सॉलिड मीडियम, ना लिक्विड, ना गैस, मतलब कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। रेसिस्टेंस फ्री होता है वो, ठीक है, रेसिस्टेंस से फ्री होता है, ठीक है। तो वहां पे जो लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁻¹ मीटर/सेकेंड, ठीक है। लाइट इज ट्रेवल इन बोथ मीडियम, बोथ मीडियम एंड वैक्यूम, मतलब लाइट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, बट मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकता है। बट यदि मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो हमने किसे मानी थी, वैक्यूम में, ठीक है, ये ठीक है। तो लाइट की मैक्सिमम स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम में, ओके। और मीडियम कौन कौन से हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब देखो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, देखो इसके आपके एक क्या एक्टिविटी है आपकी बुक में, तो इसको अपन एग्जाम्पल के मतलब एक्टिविटी को समझते हैं। सबसे पहले देखना ये, ठीक है, देखो हमने क्या लिया, तीन कार्ड लिए इक्वल साइज के, ठीक है, तीन इक्वल साइज के मैंने क्या ले लिए, कार्ड ले ली, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल साइज के हैं ये, ठीक है, ये ठीक है। अब तीन, अब और मैंने तीन इनकी साइज के अकॉर्डिंग तीन वुडन होल्डर लिए, ठीक है, ताकि हम इनको होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वुडन होल्डर, ये क्या अपने पास, वुडन, ये क्या अपने पास, ये तो क्या है, कार्ड या पेज जो भी कार्ड, ठीक है, ठीक है। और तीन वुडन होल्डर जो कि ताकि हम इनको होल्ड कर सके, ठीक है। अब मैंने क्या किया, और एक अपन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे कि अपन ने क्या ले ली, कैंडल ले ली, है ना, एक कैंडल ले ली मैंने, ठीक है, ये क्या कैंडल, ठीक है, एक कैंडल ले ली ये, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो अब मैं इन तीनों दो इसके दोनों को एंड को कॉर्नर्स को मिला के क्या करेंगे, ये बिल्कुल ये इसमें तो नहीं आया, बट अपन को एग्जैक्ट कॉर्नर लेना है, ठीक है। तो हमें एक मिड पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे मैंने इसके दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए डायगोनल ड्रॉ किए, और यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा ये। अब ऐसे मैंने इसको भी क्या किया, मिलाया इसको, और यहाँ भी मेरे को क्या मिलेगा, मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो जो जहाँ पे मिड पॉइंट मतलब ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या करेंगे अपन, एक होल जनरेट कर लेंगे, होल कोई भी पेन वगैरह से क्या कर लेंगे, एक छोटा सा होल तीनों में। अब तीनों को क्या करेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये तीनों इक्वल साइज है, आपको थोड़ा छोटा बड़ा दिख सकता है, बट ये है इक्वल साइज में, ठीक है, ये है ना। अब देखो लेट अस कंसीडर ये होल इंटरसेक्ट पॉइंट इनका यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कैंडल को यहाँ पे रखा, ये क्या किया मैंने, इसको जला मतलब लाइटिंग कर दी, ठीक है, इसको चालू कर दिया लाइट, है ना, इसको जला दी, ठीक है। अब ये देखो लाइट इसके आसपास लाइट होगी। अब देखो इनको मैंने क्या, ये कैसे रुके, क्योंकि मैंने इनको वुडन होल्डर में होल्ड कर रखा है ये, ठीक है, इस तरीके से ये। अब ये अपन साइड व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, ये इसने साइड व्यू बता रखा है। अब जैसे मैं अपनी आईज के थ्रू यहां देखूंगा, तो देखो मुझे ये लाइट बीम दिखाई दे, मतलब ये लाइट दिखाई देगी यहां से, बट यदि मैं बीच वाला या कोई सा भी आगे पीछे करता हूँ, ये कार्ड को आगे पीछे करता हूँ, तो मेरे को लाइट नहीं दिखाई देगी। तो इससे क्या प्रूफ होता है, जो लाइट ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, ठीक है, या रेक्टिल सॉरी या फिर रेक्टिलीनियर रेक्टिलीनियर
प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर, ठीक है। अब देखो एक और वो एक्टिविटी आती है आपके, कौन सी एक्टिविटी, वो जैसे कि एक एक आपने कागज लिया, जैसे कि मान लो ये इसको क्या किया मैंने इस तरीके से एक ट्यूब टाइप बना लिया, ठीक है इस तरीके से, और जब अपन मैं इसको इस तरीके से देखूंगा, ये इस तरीके से मान लो कोई भी लाइट सोर्स से, तो इधर से लाइट दिखाई देगी, बट यदि मैं इसको ऐसे 90 डिग्री पे मोड़ के फिर देखूंगा तो मेरे को लाइट दिखाई नहीं देगी, क्यों, बिकॉज वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो दैट मीन्स इससे क्या प्रूफ होता है कि लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, इसी को क्या बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। आगे तो अब अपन बात करते हैं, ये चीज समझ में, अब अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जो कि लाइट एमिट करता है, जिससे हमें लाइट मिलती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो अपन इसको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर्स, वे कहां से ऑब्टेन हो रहे हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक तो क्या होता है नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलते हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल, जो कि मैन मेड होते हैं या किसी लैब में बनते हैं या किसी इंडस्ट्री में बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड, ठीक है। तो दो तरह के अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन, मतलब कहां से उत्पन्न हुए हैं या कहां से ऑब्टेन हुए हैं, तो इसके अनुसार दो तरह के होते हैं, तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल में क्या हो जाएंगे, जो नेचुरल जैसे कि सन स्टार, बिकॉज ये अपनी लाइट खुद ऑब्टेन कर एमिट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे नेचुरल, और आर्टिफिशियल में आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या हो गया आपके आर्टिफिशियल, ठीक है, बिकॉज ये मैन मेड द्वारा बनाए गए, ठीक है, या किसी इंडस्ट्री में या किसी लैब में बनाए गए, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन आर्टिफिशियल या मैन मेड, ठीक है, ये चीज समझ में आई आपके। अब देखो अपन, अब देखो देर आपने सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट एमिट करता है ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल लाइट सोर्स, इसमें एग्जाम्पल सन स्टार्स एक्सेट्रा, आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा बल्ब ट्यूबलाइट एक्सेट्रा बहुत सारे, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्टेन, मतलब कहां से ऑप्टेन हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, आर्टिफिशियल जो मैनमेड या ठीक है या फिर लेबोरेटरी में बनाए गए हैं या फिर इंडस्ट्री में, ठीक है। अब देखो कौन लाइट एमिट कर रहा है और कौन किसी की लाइट का यूज कर रहा है, ठीक है, अब देखो इसको समझना कैसे मैं बोल रहा हूँ। माना कि देखो एक तो देखो जैसे कि ये अपना सन है, ठीक है, ये सन, ठीक है, ये अपना क्या हो गया मून, ठीक है, और ये अपनी अर्थ होगी, ये अपनी अर्थ होगी, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया, ये अपना सोर्स हो गया, ठीक है, अभी क्या लाइट, ये इन्फिनिट लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में, तो देखो लाइट इधर भी आएगी अर्थ के ऊपर और ये क्या होगी मून के ऊपर भी आएगी, ठीक है। अब देखो मून से रिफ्लेक्ट होकर लाइट अर्थ के ऊपर भी आएगी, ठीक है। अब देखना मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। अब देखो ये सन तो क्या हुआ, अब मैं मतलब अब दूसरी चीज के बाद मतलब दूसरे मतलब किस तरह लाइट यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग देखो जो सोर्स होते हैं लाइट ऑफ सोर्स तो उनको भी अपन ने क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना, ऑप्टेन के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, तो इसके अकॉर्डिंग टू तरह के होते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो मतलब अपनी लाइट और जो दूसरों की लाइट यूज करता है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं दो तरह के, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस। अब देखना इस चीज को समझ, सन अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे इसकी लाइट जैसे कि मान लो अर्थ के ऊपर हमारे पास आएगी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइट खुद एमिट कर रहा है, ठीक है, ये खुद बना के अपनी लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, समझना। अब देखो अब
मून के ऊपर इसकी लाइट गिर रही है या मतलब आ रही है, ठीक है, फॉल हो रही है। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होके किसके ऊपर आ रही है, अर्थ। बट देखना, अब ये भी हमारे लिए क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट हुआ। क्यों भाई, आ इस पर रहा है बट हमारे पास तो किससे भी आ रहा है, इससे भी, तो ये भी हमारे लिए कौन सोर्स ऑफ लाइट हुआ। बट ये कौन सा हुआ, नॉन ल्यूमिनस। ये क्या हुआ हमारे पास, नॉन ल्यूमिनस। देखिए नॉन ल्यूमिनस क्यों हुआ, ये मतलब खुद की लाइट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा बट किसी की लाइट का यूज करके हमें लाइट दे रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी हमारे लिए तो लाइट, बट ये कौन सा होगा, नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोला जाएगा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट उसको बोला जाएगा जो खुद लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता बट किसी की लाइट का यूज करके उसको क्या करता है कि मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को देता है या दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस। अब देखो जैसे कि अर्थ के ऊपर आ रहा है तो अर्थ भी क्या करेगी, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी कुछ पार्ट, तो अर्थ भी इसके लिए क्या होगी, नॉन ल्यूमिनस। ये भी क्या होगी, नॉन ल्यूमिनस। बिकॉज अर्थ भी कोई लाइट प्रोड्यूस थोड़ी करती है ना, बट वो क्या कर रही है, इसी की लाइट का यूज करके उसको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये भी नॉन ल्यूमिनस हो गया, किसके लिए, मून के लिए। और अर्थ मून के लिए नॉन ल्यूमिनस, और अर्थ के लिए मून भी क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। अब देखो, अब अपन डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे कि कोई बल्ब है, ठीक है, एक बार और चीज, जैसे कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई टेबल रखी हुई है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये कोई चीज है। तो देखो लाइट यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है। अब देखो ये तो क्या हो गया, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस कर रहा है। बट जो हमारे ऊपर ये लाइट आ रही है तो हमारे लिए ये क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस, बिकॉज ये अपनी लाइट तो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा बट क्या कर रहा है, इसकी लाइट का यूज करके हमें लाइट, हमारे ऊपर लाइट को फॉल कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस। तो इस तरीके से, ठीक है, ऑब्जेक्ट दो तरह के दो होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट के, है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अपन इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन, स्टार, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल एक्सेट्रा। ये सारे क्या, अब इसमें क्या कर दिया हमने, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है, बिकॉज वो भी तो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट खुद ही तो कर रहे हैं, किसी की लाइट को यूज थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। अब नॉन ल्यूमिनस में क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन, खुद के द्वारा लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मून, अर्थ, ये सब क्या हो गया, टेबल, कुर्सी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। ये समझ में आया, ये चीजें आपके क्लियर हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ डज लाइट ट्रेवल। तो हमें पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अभी हमने वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन वो एक्टिविटी भी करी थी, ठीक है, उसके थ्रू हमें पता चल गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इसी लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है। अब देखो यदि अब समझना, ये यहां पे समझना, देखो यदि कोई लाइट, मान लो कोई लाइट रेज है, ये लाइट रेज, सिंगल लाइट रेज, कोई एक लाइट रेज आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट रे, लाइट रे बोलें, ठीक है। और यदि बहुत सारी लाइट्स एक साथ आ रही है, जैसे कि ये बहुत सारी, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइट बीम, है ना, या बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो, और अब देखो यहां पे, अब देखो बहुत सारी लाइट बीम एक पॉइंट पे आके मिल रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग ऑफ जिंग ऑफ लाइट बीम। और इसी तरह देखो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट बीम, ठीक है। और यदि मेरी बात, और जैसे कि लाइट बीम, जैसे ये
क्या हो रही है, पॉइंट से अलग, मतलब अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट बीम, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट बीम, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट बीम। तो यही चीज देखो यहां पे दिखा रहा है, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, देखो रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये कन्वर्जिंग बीम और ये डाइवर्जिंग बीम। समझ में आया, यहां तक समझ में आया? अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन स्टडी करेंगे कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं, ओपेक ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं, तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता, मतलब सिंपल वर्ड में बता रहा हूं मैं। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपने अंदर से लाइट को पास कर देता है, ठीक है। और यदि अब मैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि कुछ पार्ट तो लाइट का पास कर देता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब ये क्या होता है, जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट दोनों की प्रॉपर्टी का मिक्सिंग होता है, ठीक है। अब देखो ओपेक ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं, यदि मैं ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, तो ओपेक ऑब्जेक्ट अपने अंदर लाइट को पास नहीं करता, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा न के बराबर नेग्लिजिबल पार्ट, और मैक्सिमम पार्ट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और इस ओपेक सरफेस पे ही क्या होती है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है, ठीक है, हमने, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन होता क्या, ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट ही क्या करता है, रिफ्लेक्शन, ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन, बिकॉज वो लाइट को क्या करता है, पास नहीं होने देता, और रिफ्लेक्ट। और ट्रांस तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो कि जैसे कि अपनी बुक होगी या कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी पर्सन के अंदर से लाइट थोड़ी पास होती है, या कोई भी टेबल हो गई, ठीक है, जो कि लाइट को पास नहीं करती, क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ट्रांस, अब एग्जाम्पल ये मैंने बताई थी, अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका ग्लास, ग्लास में पास होती है लाइट, ठीक है, जो आप जैसे चश्मे में जो ग्लास लगाते हैं स्पेक्टेकल्स, ठीक है, वो भी क्या हो गया, वो भी तो एक ग्लास ही, उसमें भी लाइट पास होती है, तभी तो हमें कोई भी चीज बड़ी या छोटी दिखती है। अब वो पावर ऑफ लेंस, वो लेंस होता है, ठीक है, वो ग्लास नहीं होता, वो लेंस होता है, ठीक है, जब आप हायर क्लासों में आओगे तो उसके बारे में स्टडी करोगे, ठीक है। अब आप तो इसके एग्जाम्पल मैंने बताई थी, ग्लास, लेंस, ठीक है। अब देखो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में दोनों प्रॉपर्टी, अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो जाएंगे, जैसे कि मान लो जैसे कि ऑयल की कोई बोतल है, ठीक है, ऑयल की कोई बोतल है, जो ग्लास वाली बोतल है उसमें यदि उसमें ऑयल फिल है, तो यदि उसके ऊपर कोई भी लाइट रेज आएगी तो कुछ तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और कुछ क्या हो जाएगी उसमें से पास, तो मतलब दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो अपन इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, चलो एक बार मैं ये बता भी देता हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं देखो ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे मान लो ये अपना सोर्स ऑफ लाइट हो गया, जैसे मान लो सन, हर बार सन को ले रहे हैं अपन, जैसे कि मान लो ये लाइट एमिट हो रही है। अब जैसे मान लो कि ये बुक है, ठीक है, ये बुक है अपनी, ठीक है, तो लाइट आ रही है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ देखा, तो इसके यहाँ से पास नहीं होगी, ये लाइट पास नहीं होगी, बिकॉज ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को पास नहीं देता, क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये इस तरीके से, तो ठीक है, ये लाइट को क्या कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब मैं ट्रांस पेरेंट की बात करूँ, तो जैसे मान लो अब ये ग्लास है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट, ये सन हो गया अपना, ठीक है, ये लाइट आ रही है, तो क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है, ये इस तरीके से, तो मतलब लाइट को क्या कर रहा है, पास, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब ट्रांसल्यूसेंट मान लो ये कोई ग्लास, ये कोई ऑयल की बोतल है, ठीक है, इसमें ऑयल फील है, ठीक है, ये ऑयल, ठीक है। अब देखो ये सन,
सोर्स ऑफ लाइट, लाइट आएगी ठीक है, तो कुछ तो क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी और कुछ क्या होगी पास भी होगी ठीक है, और कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। तो ये कौन सा हो गया, देखो कुछ तो लाइट पास हुई है ठीक है, कुछ क्या हुई रिफ्लेक्ट हुई और कुछ एब्जॉर्ब भी हुई, तो दैट मीन ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे अपन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके समझ में आपको, चलो अब इनके डेफिनेशन के थ्रू इनको समझते हैं ठीक है। देखो ओपेक सम मटेरियल आइदर एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बाउंस बैक ऑफ द लाइट, तो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के क्या होती है बाउंस बैक होती है, मतलब ठीक है ना ये रिफ्लेक्ट होती है ठीक है। लाइट डज नॉट पास थ्रू देम, लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती, मैंने अभी बताया। दे क्रिएट शेडो, और हाँ शेडो बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, यदि ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है शेडो बनती है, ऐसी बात नहीं कि बट जो एक्चुअल में जो शेडो बनती है वो किसके थ्रू बनती है ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू ठीक है। दिस मटेरियल आर कोल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक ठीक है। तो बुक टेबल एप्पल ये सब क्या होते हैं, इसमें अन लाइट पास नहीं होती, ये क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखो ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच अलो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट पास थ्रू इट ऑल इट और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, मतलब मटेरियल विच अलो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट पास थ्रू, जो मतलब इस सारी लाइट को ऑलमोस्ट मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट सारी लाइट को क्या कर देता है पास ठीक है, नेग्लिजिबल इसमें थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब के चांस हो ठीक है। अब एग्जांपल क्या हो गया ग्लास ऑफ द विंडो और स्पेक्ट्रल जो आपके लेंस होते हैं ठीक है चश्मे वाले। अब ट्रांसल्यूसेंट सम मटेरियल डू नॉट अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू दिस मटेरियल कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, मतलब सारी लाइट को पास नहीं करते, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड, दिख रहा है आपको, इन केस ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम एब्जॉर्ब एंड सम स्केटेड, स्केट मतलब फैलना, मतलब कोई भी चीज से टकरा के फैल जाना ठीक है, स्केटेड हो जाती है मतलब बिखरना वही रिफ्लेक्शन ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, मैंने बता ही चुका हूं, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कुछ पार्ट पास कर देता है कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ क्या कर देता है स्केटर या रिफ्लेक्ट कर देता है ठीक है। जैसे कि ट्रेसिंग पेपर होता है आपका ठीक है, कलर्ड ग्लास, कोई भी कलर्ड ग्लास हो गया तो क्या करेगा कुछ पार्ट तो क्या कर देगा एब्जॉर्ब कर देगा कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ क्या कर देगा पास कर देगा। ऑयल इन अ बॉटल ठीक है, तो ये सारी चीजें ये तीनों पॉइंट समझ में आए ठीक है, ये इन तीनों पॉइंट का अपन यूज करेंगे आगे, जैसे कि शेडो में यूज होगा रिफ्लेक्शन में यूज होगा, तो ये तीनों चीज समझ में आ जानी चाहिए आपके ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है। इनके थ्रू अपन अब आप आगे जैसे कि रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे शेडो पढ़ेंगे इमेज पढ़ेंगे, तो ये तीनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ठीक है। ओके।